नमस्ते, मैं हूँ मीनू और स्वागत है मेरे चैनल एमपी स्वैन में। बचपन जिसके साथ बिताया, मिल बांट कर बदमाशियाँ जो की हैं, वो ख्याल बहुत हंसाता है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये उन सब यादों की एक जुड़ी हुई कड़ी है। मेरे सभी दर्शकों को राखी की ढेरों शुभकामनाएं। राखी के अवसर पे हम झटपट सी दो मिठाइयाँ बनाएंगे, पहले काजू कतली और दूसरा कलाकंद। काजू कतली के लिए सबसे पहले लेंगे 2 कटोरी काजू। इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। एक पैन में 1 कटोरी से लगभग थोड़ी कम शक्कर लेंगे, थोड़ा आधी कटोरी पानी डालेंगे और इसको थोड़ा चाशनी बनने देंगे। थोड़ा इलायची पाउडर भी इसमें डाल लीजिए और एक तार होने तक इसे पकाइए। काजू के पाउडर को पैन में डाल दीजिए, इसे अच्छे से चलाइए। इसे तब तक चलाइए जब तक ये थोड़ा आटा जैसे ना दिखने लगे। थोड़ा सा इसमें घी डाल दीजिए। कोशिश करिए कि इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं, तो थोड़ा आसान रहेगा। ग्रीस लगी प्लेट में इसे डाल दीजिए। स्पून से अगर टैप कर देंगे तो अच्छे से जम जाएगी ये, और इसे मनचाहे शेप्स में कट कर लीजिए। है ना बहुत आसान ये झटपट बन जाने वाली काजू कतली। और दूसरी रेसिपी है कलाकंद। पनीर तो अक्सर घर में होता ही है। पैन में पनीर लीजिए, थोड़ा मिल्क मेड डालिए और इसे अच्छे से चलाइए। तब तक चलाइए जब ये पूरा अपना पानी ना सोख ले। पानी सोखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसे बनाने में हार्डली 10 to 15 मिनट लग सकते हैं। इसे तब तक चलाना है जब तक पूरा पानी ना सूख जाए, और इसे मनचाहे प्लेट में या शेप्स में आप जमा सकते हैं अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ। थी ना बहुत आसान झटपट सी घर पे बन जाने वाली 2 मिठाइयाँ, काजू कतली और कलाकंद। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर एक बार रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।